नवी मुंबई उलवे में एक्सिस बैंक की लापरवाही से श्रीजी एसोसिएट द्वारा ठगी का आरोप का मामला सामने जा रहा है, जिसमें घर खरीदारों ने एक पत्रकार परिषद के दौरान खुलासा किया है और न्याय की गुहार लगाई है। ग्राहकों का मानना है कि बिल्डर, बैंक और जमीन के मालिक ने उन्हें मिलकर ठगा है। आम्ही आज हा फ्लॅट घेतलाय उलवेमध्ये, फार कष्टाने घेतलाय। आम्ही पी एफ मधनं कर्ज काढून हा फ्लॅट घेतलाय आणि मी सध्या आता भाड्याने राहते पनवेलमध्ये, आणि माझ्या ऑफिसला ते उलवे फार जवळ होतं, त्यासाठी मी उलवेमध्ये फ्लॅट घेतला। आणि आम्ही पूर्ण पी एफची अमाऊंट काढून त्याच्यामध्ये अर्धी घुसवलेली आहे। आणि आता मी सध्या 16,000 रुपये देऊन भाडं भरून मी तिथे राहते आहे आणि 42,000 रुपयाचा हप्ता जातो आहे माझा, त्याच्यामुळे EMI पण जातो आहे, तिथे भाडं पण भरायला लागते मला। आणि OC न आल्यामुळे मला इन्कम टॅक्सलाही बेनिफिट मिळत नाही आहे आणि अजून माझ्या मुलांचं शिक्षण होत आहे, त्याच्यामुळे शिक्षणालाही खर्च किती लागतो तुम्हाला अंदाज आहेच। आता कॉलेजला एखादं जायचं म्हणलं तरी 1.5-1.5 लाख रुपये वर्षाचे, 2-2 लाख रुपये वर्षात भरायला लागत आहे, तर हे फार सफरिंग होते आम्हाला। आणि जेणेकरून आम्हाला लवकरात लवकर पदेसनी मिळालो हीच आमची फक्त अपेक्षा आहे की लवकरात लवकर आम्हाला घर मिळायला हवं। ये उलवे में हम लोग ने 54 फ्लैट ओनर्स हैं, जिसमें से 32 जो फ्लैट ओनर्स हैं उन्होंने एक्सिस से लोन लिया हुआ है। और ये लोन करीबन अभी जब हमें पता लगा अक्टूबर 2016 में, 2 साल पहले ही बैंक ने, जबकि हमारे बिल्डिंग का काम उस टाइम पे 2 साल पहले 65-70% हुआ था और बैंक ने डिसबर्स कर दिया था 96%। जब हमने ये सब फॉलो अप किया तो पता चला कि बैंक ने काफ़ी सारी जो चीज़ें वेरीफाई करनी चाहिए थी, जैसे कि लीगल वेरीफाई करना चाहिए था, टेक्निकली वेरीफाई करना चाहिए था परसेंटेज ऑफ फ्लैट कंस्ट्रक्शन, लीगल जो डॉक्यूमेंट्स है कि ये जो प्लॉट है लिटिगेशन में है नहीं है, वो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के हिसाब से डिसबर्समेंट हो रहा नहीं हो रहा, वो सब चीज़ें इग्नोर कर दी। जब हम लोग की मीटिंग होती रही, हम लोग ने जो वाइस प्रेसिडेंट है एक्सिस बैंक के उनसे मीटिंग किया, उन्होंने हमें ये बताया था कि ठीक है हम लोग इसके ऊपर अपने जो इंटरनल मीटिंग्स करेंगे हम चेक करेंगे कि कहाँ पे क्या फॉल्ट हुआ है। उसके बाद हम लोग ने काफ़ी फॉलोअप करने के बाद में उन्होंने हमें कुछ 6 महीने का इंटरेस्ट हॉलीडे दिया और ये आश्वासन दिया कि जो है इसके ऊपर पूरा कार्रवाई होगा और वो लोग ट्राई करेंगे जो लीगल मैटर है, एक तो कंस्ट्रक्शन का है और ऊपर से लीगल जो मैटर है लिटिगेशन है और जो लैंड ओनर और डेवलपर के बीच का है वो लोग अपने हिसाब से सॉल्व करें, बिकॉज उनसे भी गलती है, ये बहुत बड़ा फ्लॉज है कि उन्होंने लीगल डॉक्यूमेंट चेक नहीं किया है, कंस्ट्रक्शन वेरीफाई किया बिना 96 डिसबर्स कर दिया। तो ये बोलने के बाद में उन्होंने 6 महीने हमें दिया, जब 6 महीने के बाद हम उनके पास वापस गए कि आपने अभी तक क्या किया है, तो अभी ये जो आपने बोला था कि ये जो सॉल्व करेंगे तो कहाँ जाकर अभी ये सॉल्व हुआ है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो अभी और चल रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं, तो आप लोग को चाहिए तो विल गिव यू 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हॉलीडे, बट एज़ आई शोड यू वो एक लेटर दे दिया हमें कि आप ये साइन करके दीजिए जहाँ पे लास्ट लाइन बोलता है कि अगर आपको ये इंटरेस्ट हॉलीडे चाहिए तो आप हमें लिख के दीजिए कि आप लोग हमारे सपोर्ट में आएंगे और हमें हमारे अगेंस्ट कोई केस नहीं करेंगे। दिस इज़ वॉट एक इंडिया का लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक हमें ये लिखने के लिए बोल रहा है। इसी विषय की जानकारी के लिए हमने बिल्डर बैंक से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। और इसी विषय की जानकारी के लिए जमीन मालिक विस्तृत त्रिपाठी ने कहा है कि श्रीजी बिल्डर ने उनके साथ ठगी की है और ये जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं ये बेबुनियाद है और इसी को लेकर कोर्ट में मामला दर्ज है, जो कोर्ट का निर्णय होगा उस पर हम निर्भर हैं, ऐसा विस्तृत त्रिपाठी का मानना है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत जाधव के साथ पंकज बेनवंशी की रिपोर्ट।